हमारे इदारे की जंजानी जंतरी 2021 मार्केट में आ चुकी है, उसका मुतालिया करें। इसके अलावा 12 ममी जंतरी भी हमारे इदारे की मार्केट में आ चुकी है, बल्कि आप तो उसकी PDF फाइल्स भी आप तोहफा दर मंगवा सकते हैं। अलबिरूनी तकवीम अबू रेहान अलबिरूनी की याद में शाया की जाती है, ये जंतरी भी है और इसमें शहजादा मुसव्वर जंजानी साहब ने लकी नंबर्स भी ऐड किए हैं। वो बहन भाई जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं इंटरनेशनल लॉटरीज में, पाकिस्तान के प्राइस बॉन्ड्स में दिलचस्पियाँ रखते हैं, वो ये जंतरी बाजार से भी ख़रीद सकते हैं। मुस्तकबिल करीब में मैं समझता हूँ कि इसकी PDF फाइल भी जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं आप इसकी मंगवा के पढ़ सकते हैं। और मज़ीद ये है कि हमारा जो रिसाला है फरवरी का, ये भी मार्केट में आ चुका है, इसका पढ़ना भी आपके लिए एक मुफीद और नाफा साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाज़िन जानी EQFTB की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, आज 5 फरवरी और आसमान में हम चलते हैं, देखते हैं कि आज सितारों ने कौन कौन सी नज़रात बना रखी हैं। फरवरी का महीना यूं तो बड़ा अहम है, मैं अपने प्रोग्रामों में वक्फे वक्फे से अर्ज़ करता आ रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि आसमान पे कबल अस्तरूब आफ्ताब चांद और नेपच्यून की अच्छी नज़र है। ये रूहानियत को उजागर करने के लिए, पुरसरार कुवतों को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये वक्त होगा नमाज शब का, नमाज ताजद का। वो बहन भाई जो लौ लगाते हैं परवरदिगार से, वो नमाज के बाद दुआ करें तो उनकी दुआएं मुस्तजाब होंगी, अपने लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिस्क के लिए, सबके लिए दुआ करनी भाई से बरकत साबित हो सकती है। उसके बाद चांद की अतारत के साथ 11:30 के करीब नज़र है, ख़राब नज़र है, क्योंकि ये दिन का मिड टाइम होगा। मरकरी का ताल्लुक है लिखने पढ़ने के मामला से, तहरीर और तकरीर से, गुफ्तगू से, कम्युनिकेशन से। तो आज आप गुफ्तगू करते हुए कदर एहतियात से काम लें, ऐसे पेपर्स पे साइन करते वक्त एहतियात से काम लें जिनका बाद आपको खमियाजा भुगतना पड़े। और कोई शख्स आपको, चूँकि जनरल नजरात हैं तो इमोशनल चीज़ों से बचने की कोशिश करें, अगर कोई शख्स आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे या जज्बात बढ़ाए तो आप को सब्र तो अमल से काम लेना चाहिए। ये नजरात हैं कम्युनिकेशन से मुतलका, लिखने पढ़ने से मुतलका, ब्रेन से मुतलका, जज्बाती बान गम गुस्से से भी एतराज़ करें। उसके बाद दूसरी नज़र है, तीसरी नज़र चांद की तशदीस की नज़र है प्लूटो के साथ, ये कोई को 2:15 के करीब होगी। ये नज़र कदरे बेहतर है ऐसे मामलात जिनके लिए माजी में आपने कोशिश रिसर्च की रखी है, आपके अंदर उम्मीद है कि उसे करने की एक डायनामिक पावर्स कुवत पैदा होगी। अपने अपने दोस्तों बुज़ुर्गों से अहम कामों के लिए मशावरत करते रहें, चूँकि फरवरी का महीना बहुत ही एक अहम महीना है। सितारे में देख रहा था कि बुर्ज जद्दी में सारे सितारे तकरीबन जमा हो चुके हैं, शम्स, अतारत, मुश्तरी, जोरा, जोहल और प्लूटो यहाँ पे मौजूद हैं, 6 सितारे यहाँ पे आ चुके हैं। और मुश्तरी बहुत आम सितारा है और उसके बाद जोहल बड़ा आम सितारा है। तो ये मुश्तरी और जोहल की जो किरान की पोजीशन, ना किरान बल्कि ये हालत है आजकल शम्स के यहाँ आने से गरूब जैसी कैफियत भी चल रहे हैं। तो ये बाज़ लोगों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट ये लेके आने वाला साल है, महीना है। तो आप अपने कामों में मुशाहदात करें और अल्लाह से लौ लगाएँ, जल्दबाजी से इतराज़ करें, सब्र व तहम्मुल से काम, और सदकात जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सदकात दे सकें और आप सदका दें। और सदक़े का एक बेहतरीन तरीका कुरान पाक की सूरह बकरा में मिलता है, सूरह बकरा पढ़ के देखें, एक नया जन्म है उसमें। और सदका हर मज़हब हर कौम में रद्दे बला माना जाता है, और सदका अल्लाह ताला के हाथ में आता है, और जो चीज़ अल्लाह के हाथ में जाए वो कितनी आला चीज़ है। आइमा मासूमन से ऐसी रवायत मिलती हैं कि इमाम जब किसी को साहिल को सदका देते थे तो उसका हाथ भी चुमा करते थे। वो साहिल, चूँकि साहिल होता था, मांगने वाला हाथ होता था, वो बड़े हैरान होता था कि मौला ये आपने क्या किया।
तो मौला कुरान की आयत बताते थे कि ये अल्लाह का हाथ है, मैं अल्लाह का हाथ समझ के तुम्हें चूम रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें, हुस्न अमल है, खलूस है, सिद्क है, सच्चाई है, जितना कोई काम आप खलूस और सिद्क से करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें फजीलत और बरकतें खुदा ताला की ज़ात पैदा कर देती है। क्योंकि हमारा जो रोज़े में शर अमाल है वो भी खलूस की और इल्म की बुनियाद पर ही होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आजकल फी ज़माना जितने बहन भाइयों के मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनमें आसानी अदा करे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज आसमान पे बुर्ज किस चांद किस बुर्ज में, तो चांद आज हमें जनाब बुर्ज मिज़ान में मिला। यूँ बुर्ज मिज़ान, बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान और बुर्ज जदी वालों के लिए आज एक बेहतर दिन मालूम होता है। इसके अलावा मज़ीद बेहतरी जो है ये बुर्ज सौर, बुर्ज अकरब, बुर्ज दलव और बुर्ज असद वालों के लिए मालूम होती है। इतियात के लिए मैं हदिया करूँगा कि वो जिनका बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुमला, बुर्ज कौस और बुर्ज हूत है उन्हें कदरे मैं एहतियात की गुजारिश करूँगा। और जद्दी वालों पे तो जनाब बड़ी अहम जिम्मेदारी आन पड़ी है इस महीने कि आप यूँ समझें कि जैसे आपके घर के 12 कमरे हों, जैसे 12 मंथ का दरबरोज हैं और सारे मेहमान एक ही कमरे में आ जाएं, तो एक ही कमरे में जनाब ऑक्सीजन के मसाइल और मौसम भी सर्दी का हो और आपको सबकी खिदमत करनी पड़े, तो ये बुर्ज जद्दी वालों पे खासा दबाव महसूस कर सकते हैं। सदका ही एक बेहतर हल है। और सारे सितारे बुर्ज जद्दी से चौथे घर को देख रहे हैं, बुर्ज सरदान को, तो ये सदकात ही एक ऐसी चीज़ हैं जो रद्द बलाएँ। तो सदकात इस महीने जी खोल के आप सदकात दें। आज 5 फरवरी का जो मखसूमी नंबर हमने निकाला है तो ये 3 नंबर है और हम देखते हैं कि आज कौन से लकी नंबर्स निकालने की मैंने सआदत हासिल की है। तो 1, 2, 5, 6 और 8 भी आपके मकसूबी नंबर्स हैं। इन नंबर्स को आप उलट पलट करके प्राइज़ बाउंड नेशनल लॉटरीज़ और जैसे चाहें इस्तेमाल करें। और एक अच्छी ख़बर है कि शहज़ादा मुसव्वर ज़ंजानी साहब यंग एस्ट्रोलॉजर ने अलबिरूनी तकवीम निकाली है जिसमें लकी नंबर्स भी शामिल हैं पूरे साल के। वो बहन भाई जो दुनिया में कहीं भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, लकी नंबर से जिन्हें दिलचस्पी है, प्राइज़ बाउंड नेशनल लॉटरीज, प्राइज़ बाउंड के पाकिस्तान के नंबर, ना सिर्फ बल्कि प्राइज़ बाउंड ख़रीदने के 6 अवकात भी दिए हुए हैं, इसकी हार्ड कापी बाज़ार से मिल जाती है। वो बहन भाई अगर जिन्हें दस्तियाब ना हो तो जो नीचे नंबर आ रहा है यहाँ पर मैसेज भेज के इसकी PDF फाइल भी तोहफ़तन मंगवाना चाहें तो मंगवा दें। ये भी मुलज़िम ज़ंजानी ब्रदर्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है समझे नए साल का। आज हम देखते हैं कि कौन सा इसमें आज़म है जो मैंने आपकी खिदमत के लिए हदिया करने की जसारत की है, सादत की है, कोशिश की है। तो मुझे अल्लाह ताला के सारे नाम बड़े प्यारे लगे, तो आज मैं आपको हदिया करूँगा कि आप अल्लाह ताला के 99 नामों की आप तस्बीह करें। तस्बीह तो वैसे 100 दाने की होती है, इमाम को शामिल करें तो 101 बन जाता है। और बाब मदीनातम के वसीले से आप दुआ करें अव्वल आखिरी आला जला बढ़ता दुरुशी पढ़ते हुए आज अल्लाह ताला के सभी नामों का विर्द करें। और फिर आप जो भी दुआ करेंगे यकीनन वो दुआएं बारगाह खुदाबंदी में आपकी मुस्तजाब होंगी। ये सैयद दादा भी दुआ करता है कि आप आज जो भी दुआ करें सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी दुआएँ मुस्तजाब हों। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है, बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।